everyone, how are you? I hope you all are doing great. So in this video we are going to explore Janpath Market का गुजराती लेन. ये मार्केट ही नहीं, ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है, ये एक everything that you are going to buy in the market. और इस ये मार्केट को भाई हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें इंडियन वेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस होम डेकोर, प्लस एवरीथिंग दैट यू नीड. सो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड. तो इस मार्केट में पहुँचने के लिए सबसे पहले तो मेट्रो स्टेशन जनपथ पर उतरना पड़ेगा, फिर गेट नंबर 2 से एग्जिट करना, क्या रहता है ना, आसानी पड़ जाती है. तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, सीधे सीधे जाना है. एंड यू मतलब मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, बट जो मेन गुजराती लेन आएगी ना वो थोड़ा आगे पड़ेगा, तो सीधे सीधे चलो. और भाई जा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक हिज शॉप, क्योंकि ये शॉप की तो बात ही अलग है. यू विल गेट एवरीथिंग. देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर, इतना खूबसूरत सामान रखते हैं ना भैया. मन करता है कि सारे ले लूँ, बट जब अपनी पॉकेट देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं कर सकते. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, द क्वान्टिटीज दैट यू विल गेट इन दिस मार्केट, दैट इज़ सो मच गुड. और भाई एक बार झुमके को देख लोगे ना, एक बार चोकर देख लोगे, बहुत सारे सामान, मुझे तो नाम भी नहीं पता, कंगन, कड़े, जो अलग अलग तरीके के झुमके, बहुत खूबसूरत सामान यू विल गेट इन दिस मार्केट. और ये काफ़ी ज़्यादा प्राइजी भी होता है. तुम सोचोगे कि बहुत अच्छा सामान मिलता है, अच्छा तो मिलता है ऑफकोर्स यहाँ पर मिलता है, बट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है. तो भाई थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना, क्योंकि होता नहीं हवा हवा में हमें इतना सुंदर लग जाता है कि हम खरीदने लग जाते हैं. बट हाँ, थोड़ा पैसे भी बचा के रखना. और ये कड़े यार, यहाँ पे तो बैंगल्स जो बोलते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे, जो अगर आपने संजय लीला भंसाली की मूवी देखी होगी ना, उसमें जो वाइब आते हैं ना गहनों की, सेम यू विल गेट इन दिस मार्केट. मुझे तो लगता है कि वो खुद ही संजय लीला भंसाली जी आकर यहीं से गहने लेके जाते हैं अपनी मूवीज़ के लिए. ओके, जोक्स अपार्ट, बट इस मार्केट में आगे चल चल के जाओगे तो ये मेन लाइन आ जाएगी गुजराती लेन की. यहाँ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और तुम ज़रा अपना पॉकेट और अपनी नज़र को संभाल के रखना, क्योंकि बहुत जल्दी पैसे उड़ जाते हैं. तो मैंने बताया था कि ना सिर्फ इधर ज्वेलरी मिलती है, प्लस यहाँ पे होम डेकोर के सामान, हैंड बैग्स, और हैंड बैग्स की जो मैं बताऊँगी ना क्वालिटी, इट्स मतलब होता नहीं, उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता. इतना खूबसूरत है, और वो भी हाथों से काम किया गया है, बहुत सारे सीशेल्स लगाए गए हैं. आप ज़रा एक बात बताओ, जब हाथों से काम करेंगे थोड़ा महंगा ही करेंगे, तो दैट इज़ वाई द बैग्स एंड द ज्वेलरीज आर सो मच एक्सपेंसिव, बट दे आर वर्थ द प्राइस. अब गुजराती लेने में गुजराती से ही थोड़ा इंस्पायर होगा, प्लस यहाँ पे आप अफगानी ज्वेलरी बहुत सारी देखेंगे, बहुत सारी स्टेटमेंट वाली ईयरिंग्स नहीं होती, स्टेटमेंट वाली ज्वेलरी जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना, आपकी ज्वेलरी ही काफ़ी ज़्यादा बोल जाती है आपके लुक के बारे में, तो वहाँ पर बहुत सारे, और ना घुंघरू वाले, और वो अच्छे साउंड करते हैं, और ये घुंघरू इतने खूबसूरत यार, अगर तुम एक बार अच्छे से गहनों को पहनोगे ना, ऐसे गहनों को, एक तो मेरा मन ना वहीं पे मेरा मन ख़राब हो जाता है, कि मेरा मन करता है सारा लेना है, फिर मैं अपने पॉकेट चेक करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ थोड़ा हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा. एक तो इनके झुमकों का ना कोई, मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला कर सकता है, इतनी खूबसूरत. और अफगान ज्वेलरी जैसे मैं बता रही थी, बहुत प्यारे प्यारे और काफ़ी बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि छोटे से, अफगान ज्वेलरी, चोकर टाइप, और भी बहुत सारे, मेरे को तो नाम भी नहीं पता. यू विल सी दैट, देख के पता लगा लो कि क्या क्या है, क्या क्या है इस मार्केट में. यार ये झुमका मैंने देखा था ना, मेरा तो इस पर दिल ही आ गया था, इतने प्यारे. ये देखो यार, इतने छोटू छोटू से झुमके, और ये काफ़ी सारे हैं, जैसे हम लोग रेगुलर डेज में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पहनना चाहते, तो ये ना बहुत सही रहते हैं. और ये ब्लू वाला देखो यार, ये इतना खूबसूरत कलर था ना, कैमरे में इतना अच्छे तरीके से नहीं आया, बट इट वॉज़ लुकिंग सो, वो ओशन ब्लू वाला, इट वॉज़ लुकिंग सो मच सूदिंग टू आर आईज, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत. मतलब एक मैं बात बता देती हूँ, जब तुम मार्केट जा रहे हो ना, पहले ना एक बार घूम लेना, ऐसे चेकआउट कर लेना क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में खरीदना दोबारा से, तो पता चल जाता है. और रिंग्स, अब रिंग्स में क्या बोलूँ, अंगूठियाँ, इतनी प्यारी प्यारी अंगूठियाँ यार, और उस पर जो लिखा हुआ है ना, उस पर तो मन कर रहा है कि वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कहीं पर, नखरी वाली देखो मगर प्यार से, बहुत प्यारे प्यारे ईयरिंग्स हैं. और अंगूठियों का तो कोई जवाब ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ, इतने प्यारे प्यारे, जो ऊपर से उनकी जो लिखावट है ना, जो बनावट है, उसका क्या ही कहना, बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. चलो ये तो ईयरिंग्स एंड झुमकी एंड बहुत सारे गहनों की बात हो गई. और इस मार्केट में गहनों के साथ साथ तुम्हें इंडियन वेयर भी मिलता है, जो काफ़ी सुंदर लगता है यार. एक तो इनकी साड़ियाँ, इनकी साड़ियों का तो कोई जवाब ही नहीं है. हाँ मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बट काफ़ी अच्छी लगती हैं साड़ियों की कलेक्शंस, वो भी इतने प्यारे प्यारे, देखो तो नाम भी नहीं आ रहा, चांदनी, बांधनी, चिकनकारी, और
चंदेरी की साड़ियाँ और जो रेखा जी पहनती हैं, विद्या बालन पहनती है, वैसी साड़ियाँ आपको उसकी भरमार मिलेगी। हाँ, बट साड़ियों को देखना तो ऑफकोर्स यार थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि जब भी कुछ भी खरीदो तो एक बार उसे चेक कर लो कि कहीं कटा तो नहीं है, कहीं छोटी तो नहीं है साड़ियाँ, कहीं प्रिंट कहीं से हटा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बार चेक करके लेना, फिर इत्मीनान से घर जाना खुश होकर। साड़ियाँ ज़्यादातर 5-5.5 मीटर की होती हैं, बट थोड़ा देख लेना एक बार, देख परख करके लेके आना, क्योंकि घर पे लाके चेंज करने में कौन इतना माथा पेची करेगा, उससे बड़े वहीं पे चेक कर लेना, अगर सही हो तो ले आना, वरना फिर यू विल हैव सो मेनी ऑप्शंस देयर। फिर उसके बाद में साड़ियाँ मैंने बताया था, साड़ियों के साथ साथ जो दुपट्टे, हाय इतने खूबसूरत दुपट्टे, फुलकारी दुपट्टे, चिकनकारी दुपट्टे, मेरे को उतना नाम भी नहीं पता, इतने सारे सारे दुपट्टे। और चलो इसके बाद में वहाँ पे पैचेस वर्क, यहाँ पे ज़्यादा, इतने ज़्यादा, मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज़ हैं या इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, सो यू विल गेट द पैचेस फ्रॉम हियर एज वेल। एक पैचेस भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत जरी का काम किया गया होता है, बट हाथों से बनाते तो ऑफकोर्स जब कोई चीज़ें हाथों से बनाते मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो वो थोड़ा बहुत महंगा तो होता ही है। फिर आगे ही चल के इसके बाद में इन आंटी की शॉप्स आते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलेंगी, तो वही झुमके, नथिया, टीका, इयर रिंग्स, अंगूठियाँ, बहुत प्यारे प्यारे, और पजेब, हाय पजेब तो जान ले लेती है, इतना एक तो पजेब इतना सुंदर लगता है ना, इतना खूबसूरत लगता है, थोड़ा बहुत प्राइजी तो होता ही है, बट देखो मैं थोड़ा अनुमान लगा दे रही हूँ, ये लोग आराम से आपको बोलेंगे 2200, 2500, 2800 इतने का ऊपर से ही लेके चलना साड़ियों और बैग्स में तो। और ज्वेलरी तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 150 to 200, इट डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट यू आर बाइंग। थोड़ा छोटा झुमका है तो थोड़ा बहुत चलता है, बट 150 या 100 के नीचे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आगे चल के ये आपको शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे आपको इंडियन वेयर, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज समथिंग लाइक इंडो वेस्टर्न और इंडियन और समथिंग थोड़ा हट के, तो खरीद सकते हो। कुर्ते आपको चिकनकारी के, ये कभी कभी होता नहीं रिजेक्ट हो जाते हैं या थोड़ा बहुत काम खराब हो जाता है या थ्रिफ्टेड मान लो, तो इसे तो मॉल्स वगैरह के कंपैरिजन में ये लोग कम बोलते हैं, बट हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव बोलते हैं, तो जैसे थोड़ा प्राइस ये थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, बट आपको तो थोड़ा बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा ना। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम, और ऐसे भी नहीं इनकी क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाती है, थोड़ा छाँट छाँट के लेना, बट जो क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी आर वेरी गुड, वर्थ द प्राइस होता है। कुर्तियों का भी काफ़ी ज़्यादा भरमार है, वो चिकनकारी कुर्ती नहीं चली आजकल बहुत ज़्यादा, शॉर्ट लॉन्ग, सो दैट थिंग ऑल्सो यू विल गेट इन दिस मार्केट। और एक टिप दूँ तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं, जैसे कि बोलते ही ऐसे हैं कि 1200, 2000, तो आप लोग उसका हाफ प्राइस बोल सकते हो, जैसे कि 2000 बोल रहे हो तो आप 1000 बोल दो या 1100 बोल दो, ऐसे करके मतलब ये दे सकते हैं, क्योंकि इतना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव 2-3 कुर्तियाँ जो अभी तक चल रही हैं और काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर इतना ज़्यादा घूम लिए कि चलो हमने मार्केट ख़त्म ही कर दी। ये 2-4 स्कर्ट की दुकान है, छोटी छोटी कुर्तियों की शॉप है, और आगे शॉप इज़ एंड, मार्केट ख़त्म हो चुकी है। अब उसी रास्ते चलते हैं जहाँ से हम लोग वापस आए थे, और जाते जाते एक बार और एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। और ये यहाँ पे भाई, अब मैंने बोला ना शाम के टाइम, जैसे शाम होती है वैसे और लोग आने लग जाते हैं, तो अब देखो थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। उसी के सामने, जैसे कि हम लोग जहाँ से एंट्री करते हैं ना, जस्ट उसी के सामने एक शॉप है जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बोहो बैग्स, इतने सुंदर सुंदर जरी के काम वाले चीज़ें मिलती हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में डाइनिंग टेबल हो या टेबल हो, उसको सजाने के लिए जो डेकोरेटिव मैट जिसे सजाने के लिए काम होता है, या मतलब डिपेंड्स ऑन यू दैट कि तुम्हें कि बनाना क्या है। या हमने मार्केट को ख़त्म कर दिया बातें करते करते, हमें पता भी नहीं चला। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट, और मुझे बताना कि तुम्हें इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा ऑप्शंस अच्छा लगेगा, बैग्स के, ज्वेलरी के, साड़ी के, और या तो अंगूठियों के, मुझे ज़रूर बताना। एंड चलो मिलते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बाय।